नमाज का मुकम्मल तरीका जानने के लिए ये वीडियो खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। नमाजी को चाहिए कि वो पाक साफ होकर अच्छी तरह वजू करने के बाद मुसल्ले पर खड़ा हो फिर नमाज की नियत करे नमाजी को इल्म हो कि वो किस वक्त की नमाज अदा कर रहा है मसलन फजर जहर असर मगरिब या ईशा नियत जबान से करना जरूरी नहीं दिल में भी की जा सकती है अलबत् भी नियत के अल्फाज कह दें तो ठीक है नमाज की नियत इस तरह करें मैं नियत करता हूँ दो रकात नमाज फर्ज फजर या सुन्नत फजर अगर दो रकात पढ़ें, तो दो की नियत करें अगर चार रकात नमाज अदा करें तो चार रकात की नियत करें वास्ते अल्लाह तरफ किबला शरीफ के अगर जमात के साथ नमाज में शरीक हो तो फिर यूं कहें पीछे इस इमाम के। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को, को इस तरह बांधे के बाया, यानी उल्टा हाथ नीचे और दाया यानी सीधा हाथ ऊपर हो और इस तरह पकड़े की दाए हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली के साथ बाएं हाथ की कलाई के इर्द गिर्द हल्का बन जाए इसके बाद सना पड़े सुबह अगर जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हो तो सना पढ़ने के बाद खामोश खड़े हो जाएं। जबकि अकेले नमाज पढ़ने की सूरत में सना के बाद पहले ताउ वा तस्मिया और फिर सूरह फातिया पढ़े ताउज यानी आउज बिल्लाम और तस्मिया यानी रहीम पढ़ने के बाद सूर्य फातहा पढ़े अलहमदिल्लामीन और लिखीन إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة قبل أن نبدأ بسورة جواب قاشيتا نانسي ياد هو. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور یہ तस्बीहात तीन مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکوع میں تسبیحات پڑھنے کے بعد سمع الله لمن حمده. کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لك الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں सजदे में जाने के बाद ये तस्बियात तीन मरतबा पढ़े सुबह 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 सजदे में तस्बियात पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाएं जिसे जलसा कहा जाता है फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाएं और वही तस्बियात दोबारा मुकम्मल करें सुब्हाना रब्बीयल आला सुब्हाना रब्बीयल आला सुब्हाना ना। ना। रब्बीयल आला दूसरे सजदे से उठकर इसी तरह दूसरी रकात अदा करें दूसरी रकात मुकम्मल करने के बाद बैठ जाएं इसके बाद तशहहुद इस तरह पढ़ें अत्तहिय्यात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشاهد کے بعد درد إبراهيم پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود إبراهيمي پڑھنے بعد کوئی سی بھی معصورة پڑھیں یا پھر یہ دعا پڑھیں. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب। सलाम यानी नमाज से निकलने के लिए दुआ मासूरा के बाद पहले दाएं जानब चेहरा फेरते हुए अल्सम वरहमतुल्ला फिर बाएं जानेब चेहरा फेरते हुए असलकुम वरहमतुल्ल कहें। इस तरह आपकी दो रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी नोट चार रकात नमाज़ अदा करने के लिए दूसरी रकात में तशाहुद पढ़ने के बाद दोबारा खड़े हो जाए हजब तीसरी और चौथी रकाते पढ़े चौथी रकात में दोनों सजदों के बाद बैठ जाए और तशाहूद, दुरुद इब्राहिमी और दुआई मासूरा पढ़े और फिर सलाम फेर लें सदका जारिया के नियत से इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें क्योंकि हो सकता है आपके एक शेर से किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए और किसी को नमाज पढ़ना आ जाए जजाकल्ला